हमारे देश में बहुत सारी ऐसी धरोहरें हैं जिनसे न सिर्फ हम खुद को समृद्धशाली समझते हैं बल्कि हमारी पहचान पूरे विश्व में इनके कारण बनी हुई है। कुछ ऐसी धरोहर हैं जिनका संबंध प्रकृति से सीधे तौर पर ना होकर किसी न किसी तरह से जुड़ा माना जाता रहा है। आज हम ऐसे ही एक सार्वजनिक स्थान के बारे में बात करेंगे जो आज बहुत पुराना होने के बावजूद उसकी महत्ता कम हो गई है, लेकिन इसे अब हम एक स्मारक के रूप में याद कर रहे हैं जो कभी कल कल बहती उस समय की गंगा माँ की गवाह हुआ करती थी, जिन्हें लोग शाहजी की विश्रांतों के रूप में भी जानते हैं। बीते जमाने में टोका घाट के समीप बनी शाहजी की विश्रांतें उस समय में गंगा की कल कल बहने की कहानी सुनाती हैं। देश दुनिया के आगंतुक व्यापारी यहाँ आकर ठहरते थे। इस स्थान पर गंगा में स्नान करने वाले महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। इस स्थान के आसपास जितने भी मंदिर व अन्य घाट यहाँ हैं, वो यहाँ की शोभा को चार चांद लगाते थे। लगभग 80 साल पहले गंगा की धारा वहाँ से उत्तर दिशा की ओर बह गई, जिससे इसकी विश्रांतें वीरान होती चली गईं। इसी कारण यहाँ के लोगों ने इस जगह को कब्जाना भी शुरू कर दिया। इस खाली जगह पर महिलाएं कंडे पाटने व लोग भूसा भरने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय राधा रमन अग्रवाल के पुरखों ने शहर टंडियान में इन विश्रांतों का निर्माण करवाया था, जिसके कारण इनका नाम शाहजी की विश्रांत पड़ा था। ये विश्रांतें वहां आने वाले श्रद्धालुओं और व्यापारियों के लिए बहुत महत्व रखती थी। विश्रांतों पर सीढ़ियां और चबूतरे जरूरत के अनुसार बनाए गए थे। विशेष कारीगरों ने इन बुर्जों को बनाकर इसकी सुंदरता और बढ़ा दी। यहाँ की चित्रकारी और कारीगरी का कोई सानी नहीं है। इसी के पास कनुलाल गोकुल प्रसाद व सदानंद तिवारी के नाम से भी भव्य घाट यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इस स्थान पर कालेश्वर नाथ, काल भैरव, काली देवी और हनुमान जी के प्राचीन मंदिर भी स्थापित हैं। यहाँ से गंगा के दूर जाने के बाद ये विश्रांतें बदहाल ही होती गईं। गंगा में चलने वाली नाव बंद हो चुकी हैं। अपने जमाने में ये घाट सर्वश्रेष्ठ घोषित थे। पांचाल घाट से लेकर बने मंदिर अन्य संस्थाओं के कारण इसे अपराकाशी कहा गया। वहाँ के लोगों का कहना है कि बाहर से आने वाले व्यापारी अपना सामान नाव भर कर यहाँ लाते थे और महीनों तक इस जगह पर रुकते थे, जिसके लिए यहाँ गुफा बनी हुई थी। साधु लोग इस जगह पर सावन के महीने में रुककर ध्यान व पूजन करते थे।